तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमिंग का पार्ट टू लेके आ गया हूँ। इसमें हम लोग जानेंगे टोटोमेरिज्म। तो टोटोमेरिज्म का डिफिनेशन हो जाएगा द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म विच अराइजेस ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन विद इन ए मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड टोटोमेरिज्म। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो हम लेंगे कीटोन फॉर्म, और इसमें 1,3 हाइड्रोजन शिफ्टिंग, सो हो जाएगा इनॉल फॉर्म। ओके स्टूडेंट, ये रहा कीटो फॉर्म। तो यहाँ का ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल देखते हैं इमीन का। सिंपली हो जाएगा 1,3 हाइड्रोजन शिफ्टिंग इमीन, तो इसके हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, ये हो गया इथेनामाइड। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो गया स्टूडेंट, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, कंडीशन पर टोटोमेरिज देखते हैं। तो जेड ऑक्सीजन भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, और सल्फर भी हो सकता है, और वाई कैन बी एनी एटम। ओके स्टूडेंट, और एक्स शुड हैव हाइड्रोजन। ओके स्टूडेंट, और एक्स कैन नॉट बी हाइड्रोजन। इसका मतलब ये हुआ, मैं एग्जाम्पल्स आप लोगों को समझा दूं। जैसे मैंने ये ग्रुप लिया, तो यहाँ पे जो जो हाइड्रोजन है ये टोटोमर में इन्वॉल्व नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ वाला हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड COH, और ये एटीट्यूड ऐसे ही रह जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं एल्डिहाइड का। ओके स्टूडेंट, तो मैं कलर चेंज कर लूँ। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, इसे हम लोग लेते हैं जेड, ये हो गया वाई, और इसे तो हम लोग एक्स नहीं ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पे कार्बन फ्री नहीं, कोई हाइड्रोजन है नहीं यहाँ पे, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, तो ये टोटोमर शो नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं शिफ्ट करने के लिए। ओके स्टूडेंट, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ एसिटोफिनोन का। कलर चेंज कर लूँ। ओके स्टूडेंट, तो इसे हम ले लेते हैं जेड, ये हो जाएगा वाई, और यहाँ पे कोई कार्बन पे हाइड्रोजन फ्री नहीं है, तो यहाँ पे एक्स नहीं होगा, एक्स यहाँ पे हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो सिंपली हो जाएगा ओके स्टूडेंट, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। ओके स्टूडेंट,
ओके स्टूडेंट्स, हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसका आईयूपीएसी हो गया 2-फिनाइल इथेनॉल। ओके स्टूडेंट, तो इसे हम लोग ले लेते हैं एक्स, ये हो जाएगा वाई। यहाँ पे तो एक्स नहीं हो सकता है। ओके स्टूडेंट, तो एक्स हम लोग इसे मान लेते हैं। तो यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन है, तो सिंपली हो जाएगा क्वेश्चन, यहाँ वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कीटो फॉर्म का। तो इसका इनॉल फॉर्म लिखते हैं, तो सिंपली हो जाएगा जेड, ये हो जाएगा वाई, और एक्स यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग प्रेफरेंस देंगे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को। ओके स्टूडेंट, तो इसका हम लोग इनॉल फॉर्म लिखते हैं, तो ये रहा इसका इनॉल फॉर्म, ये रहा इसका कीटो फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए ये एक एरोमेटिक कंपाउंड बन गया है। ओके स्टूडेंट, और ऑर्गेनिक में सबसे स्टेबल कंपाउंड माना जाता है एरोमेटिक कंपाउंड। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि कीटो फॉर्म बना 0.2% और इनॉल फॉर्म बना 99.8%। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये रहा कीटो फॉर्म, इसका इनॉल फॉर्म बनाते हैं, तो ये हो गया जेड, ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स। एक्स हम लोग यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई फ्री अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो ये इसका रहा इनॉल फॉर्म। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप लोग देखिए ये एंटी एरोमेटिक हो गया। ओके स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे है और एंटी एरोमेटिक जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अनस्टेबल माना जाता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया। एंटी एंटी एरोमेटिक का कंडीशन ये है कि 4n π इलेक्ट्रॉन हो। ओके स्टूडेंट, और n जो होगा वो इंटीजर होगा 1, 2, 3, 4, 5, जैसे कि 4 π इलेक्ट्रॉन, 8 π इलेक्ट्रॉन, 12 π इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए 4 π इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4। ओके स्टूडेंट, तो इसलिए ये एंटी एरोमेटिक हो गया, तो कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म नहीं बनेगा। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल ले लेते हैं क्यूनीन का। तो इसका इनॉल फॉर्म लिखते हैं, ये जेड, ये वाई, ये एक्स। एक्स इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, बस अल्फा हाइड्रोजन देखना है कि नहीं। क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखिए इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp, इसका डिग्री होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेन बहुत ज़्यादा इस कारण बन रहा है, तो इसलिए कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म नहीं बनेगा। ओके स्टूडेंट, ड्यू टू स्ट्रेन। ओके स्टूडेंट, स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल देखते हैं। उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है इनॉल फॉर्म से। ओके स्टूडेंट, तो आइए कुछ स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल्स देखते हैं।
तो पहला होना चाहिए एरोमेटिक, एरोमेटिक मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। दूसरा साइक्लिक होना चाहिए। तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना चाहिए। और चौथा कंजुगेट होना चाहिए। कंजुगेशन, कंजुगेशन मतलब होता है डबल, सिंगल और डबल बॉन्ड होना चाहिए। और पांचवा है सॉल्वेंट। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें आप लोगों को बताना है इनऑल फॉर्म किसमें ज़्यादा बनेगा। तो मैं पहला कंपाउंड ले लेता हूँ। इसे मान लेते हैं ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। किसमें तो आप लोग इसे जल्दी से जल्दी इनॉल फॉर्म बनाइए। तो ये हो गया जेड, ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स। आप लोग यहाँ से भी हाइड्रोजन ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं। ओके सुन, तो मैंने यहाँ से हाइड्रोजन लिया है, तो ये रहा इसका इनॉल फॉर्म। तो इसका इनॉल फॉर्म लेते हैं। सॉरी, ओके स्टूडेंट, तो ये मैंने तीनों के इनॉल फॉर्म लिख दिया। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा सी, क्योंकि यहाँ पे जो फिनाइल ग्रुप लगाया हुआ है ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ जैसे डोनेट करेगा तो यहाँ पे रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। और उसके बाद ए और बी में देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए कंजुगेशन है डबल सिंगल डबल, तो बी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए डबल सिंगल छोटा सा कंजुगेशन है, तो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा ए। तो ऑर्डर हो जाएगा सी बी ए। ओके स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को मोस्ट स्टेबल इनॉल फॉर्म बनाना है। तो सिंपली हम लोग तीनों तरफ से अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे। तो सिंपली हो जाएगा तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये इनॉल फॉर्म 100% बना और वहीं कीटो फॉर्म 0%, क्योंकि यहाँ पे मस्त एरोमेटिक है कंपाउंड और कंजुगेशन भी है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखा गया कीटो फॉर्म लेस स्टेबल है इनॉल फॉर्म से। ओके स्टूडेंट, तो इसको अरेंज करते हैं। तो इसका मैं इनॉल फॉर्म लिख लेता हूँ। और इसका भी इनॉल फॉर्म लिख लेता हूँ। और इसका भी लिख लेता हूँ। ओके स्टूडेंट, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड बन गया है। ओके स्टूडेंट, और प्लस रेजोनेंस है डबल, जैसे यहाँ पे लोन पेयर है तो यहाँ से रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो रेजोनेंस भी, तो पहले थर्ड सी हो जाएगा और यहाँ पे लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल, तो यहाँ भी रेजोनेंस है, तो ये हो जाएगा बी। और यहाँ पे सिंपली हो जाएगा ए। तो ये रहा कुछ ऑर्डर। तो होप सो आप लोगों का टोटल मेज में बहुत सा डाउट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।